नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। चुनाव की सरगर्मी ऐसे सर चढ़कर बोल रही है कि जुबान पर भी काबू नहीं है, जुबान फिसलती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को जनता की नज़रों से नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बयान ने सियासी पारा फिर से चढ़ा दिया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से सीएम चेहरे को लेकर खुले मंच से बड़ा बयान दे दिया है। इतना ही नहीं, स्टेटमेंट देने के बाद, यह बयान देने के बाद वे तुरंत पलट भी गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग जिले के रिसाली सेक्टर में कांग्रेस को हटाने के लिए छत्तीसगढ़ बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया था। इसी दौरान अजय चंद्राकर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का मूल्यांकन एक महिला एसडीएम कर रही हैं और अगर वह महिला अधिकारी यह बता दें कि टेस्ला एमआरआई मशीन की कीमत कितनी है, तो 11 महीने बाद जब राम विचार नेता मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको प्रमोट कर आईएएस बना देंगे। ताक में बैठी कांग्रेस ने फौरन चुटके ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि जब भाजपा ने पहले ही तय कर लिया है कि चुनाव किसी चेहरे पर नहीं सामूहिक नेतृत्व पर लड़ा जाएगा, तो क्या अजय चंद्राकर की हैसियत ओम माथुर, नितिन नवीन और अजय जामवाल से भी बड़ी हो गई है, जो बीजेपी की ओर से अगले सीएम के नाम की घोषणा वे कर रहे हैं। बहरहाल अजय चंद्राकर को अपनी गलती का एहसास हुआ और मंच से उतरने के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या राम विचार नेताम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरा होंगे, तब उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने सीएम नहीं कहा, मैंने कहा सरकार बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री भी बन सकते हैं।